आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से भगवान महावीर जयंती के अवसर पर स्वयं स्वर्ण महोत्सव समिति की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर पारडी फवारा चौक आदि कई जगहों पर जाकर गरीब बेसहारा लोगों को स्वादिष्ट भोजन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस से फैली महामारी से गरीब वर्ग को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते उनकी रोजी रोटी नहीं होने से उन्हें भोजन के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। ऐसे में शहर के स्वयं स्वर्ण महोत्सव समिति इसने कार्य में पिछले 10 दिनों से करीब 800 लोगों को रोज शहर के विभिन्न इलाकों में गरीबों को खाना खिलाकर अपना सामाजिक दायित्व निभा रही है। साथ ही आज महावीर जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों के गरीबों को खाना खिलाकर अपना सामाजिक दायित्व इस संस्था द्वारा निभाया गया है। इस अवसर पर संस्था के अनिल जैन, इंद्रचंद जैन, राजू शर्मा, जयप्रकाश आचार्य, राज जैन, प्रीतम शर्मा, पीयूष जैन, राजेश ठाकुर, दर्पण जैन, गोलू अग्रवाल, मनीष वलेचा, मीना जैन, गौरी शर्मा, शोभा जैन, विनोद कुमार, मुकेश हर्ष आदि इस कार्य में जुटे हुए हैं। फिर शुरू हुआ जब कोरोना लगा तो हमने ये देखा कि रोडों पर बहुत सारे आदमी चल रहे हैं, ड्राइवरों और कंडक्टरों को, हमालों को कोई खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए हमने पहले दिन से ये व्यवस्था करनी पड़ी और हम इस व्यवस्था को जब तक चालू रखेंगे जब तक ये स्थिति देश की सामान्य नहीं होती, लॉकडाउन तक करेंगे और जब तक देश की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक करेंगे जब तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल जाती, परिवारों को रोजगार नहीं मिल जाता। मैं जैन ऑटो पार्ट प्रोप्राइटर इंद्रचंद जैन, जैसा हमारे अनिल जी ने कहा है, हम हमेशा साथ में करते रहते हैं और आपने जैसा ट्रांसपोर्ट पहले ये सोचे थे कि यही करना है, बाद में हमको पता लगा कि हर जगह पर जैसा पारडी है, वरदामना है, वाड़ी है, वहाँ भी हम लोग जा चुके हैं, हर जगह हमने देखे कि इसकी बहुत काफ़ी ज़रूरत है। जो बाहर गाँव से लोग आ रहे हैं, जैसे कोई बालाघाट है, ये जिनको ठेकेदारों ने पूरा छोड़ दिया है, वो भी रास्ते पर हमको काफ़ी मिल रहे हैं। बूटी बोरी भी गए थे तो हमको काफ़ी लोग मिले जिनके पास में खाने का कोई साधन नहीं है, बनाने का साधन नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये डेली करके जिस जिस जगह ज़रूरत है, हमेशा कमिश्नर को भी फ़ोन करके बोला था कि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है हमें आप फ़ोन करिए, हम आपकी पूरी पूरी व्यवस्था करेंगे। अभी हम लोग करते पारडी में पागलखाना चौक, मीठा नीम, रेलवे स्टेशन, गंगाबाई घाट, मेडिकल चौक और मेन होता है सेंट्रल रोड के ऊपर में, जहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं बाहर गांव के, जिनको जाने की व्यवस्था नहीं है पड़े हैं, वहाँ भी इवन हम लोग वर्धा के वर्धा तक भी जा चुके हैं, जिनके डैम है बड़े बड़े ठेकेदारों के, उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया, खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ डैम में भी जाके हमने बांट के आए हुए है और बूटी बोरी तक पहुँच के वहाँ की जो मेन अभी प्रॉब्लम है रास्ते के लोगों का, उनके लिए पूरा कर रहे हैं। ये कोरोना की वजह से इतनी महामारी फैली है, जो जिसकी वजह से जो इतनी कैजुअलिटी हो रही है, हमारे मोदी जी का जो मार्गदर्शन है उसके वजह से हमारे भारतवर्ष में काफ़ी कम हुआ है, तो उनका आदेश मानकर, उनका आदेश सर्वोपरि मानकर सबने लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। अभी आप भी देख रहे होंगे हम लोग यहाँ पर जो अनिल जी अंकल है, इंद्रचंद जी अंकल है, इनके माध्यम से जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम ध्यान रख रहे हैं, हाइजीनिक तरीके से हम लोग खाना बना रहे हैं और उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हम लोग भी उस चीज़ को फॉलोअप करते हैं। तो हम, मेरा ये कहना है आम जनता से कि आप भी जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जिससे आप अपने घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात, अगर हम मेरे से किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो एक किसी को नहीं होती है, वो पूरे समाज को हो सकती है, उसकी क्षति जो हमारे देश को हो सकती है। देखिए ऐसा है, मोदी जी अगर बोलते हैं कि आज सूरज पूर्व से निकलेगा तो विपक्ष मुद्दा बोलेंगे कि नहीं हम तो पश्चिम से उगाएंगे, तो ये तो सीधी बात है, उनको विरोध करना उनकी आदत पड़ गई है। जैसे हमारे कल हमारे जो मंत्री जी जो है जिन्होंने बोला कि नहीं वो ट्रिप हो जाएगा पूरा पावर प्लांट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं और उनकी जो टीम जो कर रही है वो कार्य सराहनीय है। और अभी आप भी देख रहे होंगे हमारे जो अंकल जी जो है अनिल जी, अनिल कुमार जी जैन, इंद्रचंद जी जैन, इस तरीके से उनके जो हम लोग मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिस समय हम खाना बांटने जाते हैं तो उस समय में हम लोग एक डिस्टेंस रख के उनसे काम कर रहे हैं। वो पुलिस है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको कभी भी कोई चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की है और उनका भी हमको सहयोग मिलते रहा, धन्यवाद। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़ी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।